जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल। उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे, आपने तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आप जानने वाले हैं कि ये जो डायफ्राम जो होता है ये ख़राब हो जाता है और लोग जो है मार्केट से ला के लगा भी देते हैं, है ना। आपके पास कोई भी यूनिट हो, ठीक है, जितना वाट का हो मैटर नहीं करता, कोई भी चाहे आईसी यूनिट जो बोल के आता है वो हो चाहे जो भी हो, ठीक है, जो कि पीछे से प्रीसेट वगैरह होता है घुमाने के लिए, वो सब जो यूनिट आता है ख़राब होता है तो मार्केट से तुरंत नया लगा देते हो। तो इसमें जो आईसी यूनिट जो कहते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये आपको जब भी खोले तो थोड़ा देख के आप खोले, जो एल है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये एल है ना, L1 है ना, और यहाँ पे L2 है, दिख रहा है। इसमें तो प्लस माइनस L1 तो प्लस में चले जाएगा, रेड तार उसमें आके जो प्लग आने के लगेगा इसमें, या सोल्डर है तो सोल्डर होगा, L2 जो है माइनस होता है, ठीक है, तो इसमें ये लगेगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका ये ख़राब है। चलिए आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा लाइट टेस्टर, मोबाइल का लाइट टेस्टर है। चलिए ये दोनों को हम टच करते हैं तो जलना चाहिए, चलिए जल गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हम टच करते हैं तो नहीं जल रहा है, यहाँ पे नहीं जल रहा है, तो आप तो डायरेक्ट मार्केट से लाओगे नया, बदल दोगे, और ये ओरिजिनल भी है ना, तो अब क्या करना। देखो दोस्तों, यहाँ पे नहीं आप बता रहा है, अब देखो यहाँ भी चेक करते हैं इसका लास्ट पोजिशन पर, तो यहाँ भी नहीं बताएगा, यहाँ भी नहीं बता रहा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं बता रहा है, ठीक, यह नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? तो आगे कॉइल ख़राब होगा। तो दोस्तों देखो, इसका कॉइल रियर केस में ही अंदर से ख़राब होता है या जल जाता है। आप एक बार ज़रूर ये चेक करना, हमें यहाँ से जो है कंटिन्यूटी जो है यहाँ आया है, राइट, ये यहाँ आया है ना, यहाँ कंटिन्यूटी यहाँ आया है, और यहाँ से जो है कॉइल का एक छोर यहाँ से टच हुआ है, और देखो दोस्तों इधर का भी जो कॉइल जो है यहाँ आया है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ टच आया है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, देखो ब्लेड से इसका जो ऊपर टच हुआ है यहाँ हल्का छीलना है, एकदम हल्का छीलना है, ताकि आपका जो है ये सट जाए, कंटिन्यूटी हम बता दे अगर सही होगा तो। और इस साइड भी हम कर लेते हैं, चलिए आप चेक करते कि ये कंटिन्यूटी बताता है क्या नहीं बताता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आ रहा है, थोड़ा सा सही से टच नहीं हो रहा दोस्तों, ये देखिए आ रहा है ना। तो अब देखो, ये तो आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कॉइल तो मेरा सही है। अब दिक्कत क्या होगा, तो यहाँ से जो तार यहाँ तक आया है ये दिक्कत होगा, है ना, और यहाँ से जो तार आया है यहाँ दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं से कहीं एक का छोड़ा हुआ होगा। यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से आ रहा है कि नहीं, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ किया मैंने, अब यहाँ देखते हैं, इसका मतलब है दोनों साइड जो है ना, इसका जो इधर आ रहा है ना दोस्तों, देखो यहाँ आ रहा है मगर यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इस साइड जो है आपका, देखो इस साइड जो है आपका यहाँ से कंटिन्यूटी छोड़ दिया है, तो यहाँ सोल्डिंग करके यहाँ पे हम जम्पर मार देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि यहाँ कॉइल बनता है क्या नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सोल्डिंग कर दिया, ये देखो तार आपको हम ये देखिए, है ना, दिख रहा है। देखो एक बात का जरूर ध्यान रखना दोस्त, आप जब स्क्रेच करोगे ब्लेड से तो यहाँ कोई तार जो है और भी कोई तार यहाँ पर स्क्रेच ना हो जाए, ठीक है, तो इधर का तार ये सब पे आप ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं और फिर चेक करते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूटी बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। चलिए ये हो रहा और ये रहा, देखिए दोस्तों ये बता दिया। तो दोस्तों ये जो कॉइल जो है दोस्तों, आपको जो भी ओरिजिनल है दोस्तों, आपको बदलने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस कॉइल यहीं से कटता है, बहुत एकदम जब मैंने अक्सर देखा है, ठीक, अभी तक जो भी ठीक है दोस्तों, तो लगभग यहीं से जो है प्रॉब्लम आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, धन्यवाद।